अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दिले वीरान में आप देखेंगे कि दानिया जो कि आती है मिनहल के पास। मिनहल काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि क्या हुआ दानिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम भी मुझसे नाराज़ होना। इस पर दानिया कहती है कि नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ यही कहने आई हूँ कि आपने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही था। जिस पर मिनहल कहती है कि क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम। जिस पर दानिया कहती है कि भाभी आपको नहीं पता, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हफ्सा वाकई ही किसी लड़के से बात करती है, लेकिन मैंने ये बात मामा को भी बताई थी। इस पर मिनहल कहती है कि अगर तुमने आंटी को ये बात बताई थी तो वह ये क्यों कह रही थी कि उसका रब्ता नहीं। दानिया कहती है कि बस मैं, वो मेरी माँ है, मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन बस बेहतर यही होगा कि आप उनको ना उनके हाल पर छोड़ दें। तो मिनहल कहती है कि दानिया कैसे छोड़ सकते हैं, अगर हफ्सा ने खुदा ना खास्ता कोई गलत कदम उठाया तो तलाल या फिर अंकल की क्या इज्जत रह जाएगी। इस पर दानिया कहती है कि हफ्सा जो कुछ करने की ठान लेती है ना, भाभी से रोक तो कोई भी नहीं सकता। मिनहल कहती है कि दानिया तुम भी तो उसी की बहन हो ना, जमीन आसमान का फ़र्क है तुम दोनों में। इस पर दानिया कहती है कि भाभी शुक्र है खुदा का कि मैं हफ्सा जैसी नहीं हूँ। ये सब देखेंगे आने वाले नए एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।